ईयर स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। जैसा कि अब आपको पता है, आपके परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है जो कि 29 जून से चालू होगा। इसीलिए मैं वीडियो लेक्चर के मोड को हल्का सा चेंज करूँगा। अभी अपना यूनिट 3 और 4 रह गया है, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप पर गौर से देखना, मैंने यूनिट 3 के जो MCQ है वो आपको पोस्ट कर दिया है। अब पोस्ट करने का मतलब ये है कि उसमें जो मल्टीपल आंसर्स है उसको बोल्ड जो किया हुआ है वो करेक्ट आंसर है, बाकी रॉन्ग आंसर है। लेकिन फंडामेंटल चीज़ यही कि आपको आंसर पे से आंसर समझने के बजाय उसकी बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली आप दें यूनिट 3। तो यूनिट 3 बेसिकली जो इनडायरेक्ट टैक्स का है वो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स से रिलेटेड है। अब आपको बहुत ही सरल शब्दों में मैं आज समझाने की कोशिश करूँगा 5 मिनट के लेक्चर में, और कल से अपने जो नए वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो ये जो सीक्वेंस में मैंने आपको व्हाट्सअप किया है उसी सीक्वेंस में मैं कोशिश करूँगा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो आंसर आए हैं वो कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो आज बेसिक कंसेप्ट हम समझते हैं। यू प्लीज़ वॉच वीडियो लेक्चर वेरी एक्यूरेटली, दो इट इज़ ए शॉर्ट वीडियो, छोटा वीडियो है लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, पहले मैंने लिखा इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको बिल्कुल आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। GST ऑन परचेज, यहाँ पर जो सेलर होता है, जो ट्रेडर्स होता है, वो गुड परचेस करता है और सोल्ड करता है। जब गुड परचेस करता है तब वो टैक्स देता है। तो आप सीधा समझ जाइए, व्हेन एवर द बिजनेस ओनर परचेज द गुड्स एंड पेड द GST, दैट इज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी ट्रेडर्स के हाथ से जाता हुआ GST जो आपको दिख रहा है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो उसका जमा है, वो उसका एडवांस है, वो एक तरह से गवर्नमेंट के पास उसका टैक्स डिपॉजिट है। देन आउटपुट टैक्स मीन्स व्हाट? आउटपुट टैक्स मीन्स GST ऑन सेल्स। मान लो मैं ट्रेडर हूं, मैंने ये बीम परचेस किया और जिससे परचेस किया उसको GST दिया, वो इनपुट। अब मैं ये पूरा का पूरा रीम आप लोगों को बेच रहा हूँ, तो बेचते समय आपसे जो GST लूंगा वो दैट GST इज कॉल्ड फॉर मी आउटपुट टैक्स। अब यहाँ पर जो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, अब मीनिंग क्या है? तो सर, आउटपुट टैक्स मतलब ऐसा GST जो आपको गवर्नमेंट को देना है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ऐसा GST जो गवर्नमेंट के पास आपका जमा है। उदाहरण के लिए मान लो आउटपुट टैक्स GST ऑन सेल आपके पास आता है 10 रुपये, इसका मीनिंग है कि 10 रुपये का टैक्स आपको गवर्नमेंट को जमा करना है। लेकिन यही वस्तु खरीदते समय आपने टैक्स पेड किया, मान लो वो टैक्स 8 रुपये होगा, तो ये इनपुट है, मतलब इनपुट 8 रुपये है और आउटपुट 10 रुपये है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि उसकी लाइबिलिटीज कितनी, और लाइबिलिटी के बड़ा सिंपल वे देखना पड़ता है कि उसने सेल करते समय GST कितनी लिया, 10 रुपये। इसी वस्तु को परचेस करते समय GST कितनी दी थी, 8 रुपये। तो लाइबिलिटीज क्या होगी? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट, 10 माइनस 8 = 2। यहाँ पर 2 जो ज्यादा का निकला वो क्या है? आउटपुट टैक्स मोर देन इनपुट। आउटपुट टैक्स 10, इनपुट 8, ज्यादा कौन सा है? आउटपुट कितने से? 2 रुपए से। तो ये होगी GST की लाइबिलिटी। इसका उल्टा निकलता है नेट GST इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये कैसा होता है? ये इस तरह से होता है, मान लो आपने गुड्स परचेस की और उस पर GST आपने दिया 8 रुपये। अब कोई जरूरी नहीं है, मान लो मैंने ये 4 रीम कागज लिया तो 4 रीम के ऊपर में GST मैंने चुकाया 8 रुपये, लेकिन मेरे अभी ये 2 ही रीम बिके हैं तो मेरे पास जो GST आएगा वो तो 2 रीम का ही आएगा ना, मान के चलो कि वो 6 रुपये आया। तो यहाँ पर सेल के ऊपर GST कितना है? 6 रुपये, और परचेस पर GST कितना है? 8 रुपये। तो क्रेडिट क्या बोलता है? आउटपुट टैक्स यानी कि 6 रुपये माइनस इनपुट यानी कि 8 रुपये। अब 6 में से 8 घटते क्या? नहीं घटते। तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 2। व्हाट एक्चुअली दिस आर 2, इट इज द इनपुट टैक्स। व्हेन द इनपुट टैक्स इज मोर देन आउटपुट द बैलेंस विल कॉल्ड नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये अपने जमा रहते हैं जो हम गवर्नमेंट से वापिस भी मांग सकते हैं या फर्दर उसको यूटिलाइजेशन करेंगे। जो MCQ आगे मैं दूंगा उसमें आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है ये CGST एंड SGST या CGST और UTGST, ये अगले वीडियो लेक्चर में ज्यादा क्लियर कर दूंगा मैं कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SGST एंड UTGST। यहाँ एक बात समझ लो, इन दोनों का आउटपुट और इन दोनों का एक इनपुट ये हमेशा इक्वल रहता है, ये कभी भी ज़्यादा कम ज़्यादा हो ही नहीं सकता।
यदि सीजीएसटी का इनपुट 10 है तो इसका भी 10 रहेगा, सीजीएसटी का आउटपुट 10 है तो इसका भी आउटपुट 10 रहेगा, कम ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये आपको मैंने बता दिया पत्थर की लकीर, उसके आंसर भी निकलेंगे तो सीजीएसटी 10 है तो एसजीएसटी भी 10 ही निकलता है, यानी ये नॉर्मली इक्वल होता है। फिर इनका यूटिलाइजेशन कैसा होता है, तो यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो क्रेडिट आपके पास में है वो कितना है। अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई यहाँ पर पहले बताया था मैंने 10 रुपये आउटपुट है, उसमें से इनपुट किए गए कितने 8, बचे कितने 2, तो इसका उपयोग कैसा होगा, तो सीजीएसटी में यदि ज़्यादा पैसा आपके पास बचता है तो पहले सीजीएसटी के काम में आएगा, बचा हुआ पैसा आईजीएसटी के लिए जाएगा। यदि एसजीएसटी में 2 रुपये बचे हैं तो पहले वो एसजीएसटी को चुकाने के काम में आएंगे, बचते हैं तो आईजीएसटी को जाएंगे। आईजीएसटी में यदि ज़्यादा पैसा है तो आईजीएसटी का पैसा पहले आईजीएसटी के काम में आएगा, बाद में सीजीएसटी के और बाद में एसजीएसटी के, यानी इसमें 3 स्टेज पे जाएगा। यूटीजीएसटी भी सीजीएसटी के जैसा यूटीजीएसटी टू यूटीजीएसटी पेड होगा, बचा हुआ पैसा आईजीएसटी के जाएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जरिए कल मैं इसको एक बार समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि भी कैसे ये फाइंड आउट करता है, क्योंकि जब राज्य के राज्य में बिक रही है, राज्य के राज्य में परचेस है, वेन एवर द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज विद इन द स्टेट, दिस इज द इंट्रा स्टेट एंड द टर्म इज कॉल्ड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जब महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में बिक रहा, मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बिक रहा, मेरे शुरुआत के लेक्चर्स में मैंने इसको बहुत अच्छा क्लियर किया था, आप मेरे शुरुआत के वीडियो देखिए तो आपको इनके सबके मीनिंग समझ में आएंगे। और ये यूटिलाइजेशन उसी समय होगा जब आपके पास में क्रेडिट है, तो सीजीएसटी का डायरेक्ट सीजीएसटी से क्रेडिट हो जाता है, एसजीएसटी का एसजीएसटी से हो जाता है, बचा तो आईजीएसटी के काम में आता है। मुद्दे की बात ये कि ये सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और यूटीजीएसटी और एसजीएसटी और एसजीएसटी, ये आपस में एक दूसरे को लाइबिलिटीज के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज नहीं करते हैं, राइट। तो आज अपना माइंड आप सेट कर लीजिए, और जो मैंने ये न्यूमेरिकल्स आपको एमसीक्यू भेजे इसमें कुछ आसान है, पहले उसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ जाओ और उसके आगे के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बेटा सॉल्व करो और उसके उत्तर को तैयार रखो, और आपको जहाँ प्रॉब्लम जा रहा है ये नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, मैंने बोल्ड किया, बोल्ड इज द आंसर। अब ये आपको लग रहा है कि ये सर बोल्ड आंसर आंसर क्यों है, तो मेरे कल के लेक्चर्स में मैं ये प्रॉब्लम नंबर 6, 7, 8, 9 ये चारों के चारों आपको बताऊंगा कि उसका आंसर ये क्यों है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू।